मैं रचना बंसल शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले जान लीजिए वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं तेज रफ्तार में सुपर फास्ट अंदाज। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हरा दिया और 10 साल बाद टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2014 में फाइनल में पहुंची थी टीम इंडिया। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल के इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। क्रीज पर खेलने उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के अर्धशतक के सहारे इंग्लैंड को 172 रन का टारगेट दिया। मैच के दौरान 8वें ओवर में तेज बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में ये काफी धीमी थी, इसीलिए अंपायर्स ने खेल जारी रखने का फैसला किया, लेकिन 8वें ओवर के बाद बारिश तेज हो गई और खेल को रोकना पड़ा। सेमीफाइनल में सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 36 बॉल पर 47 रन बनाए। रोहित के पवेलियन लौटने के थोड़ी देर बाद ही सूर्या भी आउट हो गए। यहां जोफ्रा आर्चर ने सूर्या को पवेलियन भेजा। 172 के टारगेट को चेस करने क्रीज पर उतरी इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन शुरू से ही लचर रहा। शुरू के 6 ओवर में 40 रन पर इंग्लैंड की टीम 3 विकेट गवा चुकी थी। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके और गेंदबाजों ने अंग्रेजों को 16.4 ओवर में 103 रन पर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। रोहित ऐसे पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट मैच में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए। सेमीफाइनल के आज के मैच में रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 5000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले 5वें भारतीय कप्तान बने हैं। रोहित से पहले विराट कोहली, एमएस धोनी, मोहम्मद अजहर, सौरव गांगुली समेत अब अपनी कप्तानी में 5000 रन बना चुके हैं। किंग कोहली ने सेमीफाइनल में एक बार फिर से फैंस को निराश किया। महज 9 रन बनाकर यहां पर रीस ट्रॉपली की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 9 गेंद खेलकर 9 रन बनाए जिसमें एक छक्का भी शामिल है। तीसरे ओवर में ट्रॉपली ने विराट कोहली का विकेट लिया। सेमीफाइनल के इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था। दोनों की इसी टीम ने पिछले मैच में जीत दिलाई थी। भारत ने इस प्लेइंग 11 के साथ जहां ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो वहीं इसी प्लेइंग 11 टीम के साथ इंग्लैंड ने अपने पिछले मैच में अमेरिका को शिकस्त दी थी। टी20 विश्व कप में भारत के फाइनल में पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने देश भर में मनाया जश्न। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा की शुरुआत होनी है। लोकसभा में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी शुरुआत इसकी कर सकते हैं। खबर है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में जवाब दे सकते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यहां पर शाह ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। गृह मंत्री के दूसरे कार्यकाल के लिए मैंने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जम्मू बेस कैंप से एलजी मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। यहां आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए हुआ रवाना। 29 जून को पहलगाम और बालटाल से शुरू होनी है अमरनाथ यात्रा। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया और कहा कि यह आपकी निगरानी में हो रहा है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से सवाल करते हुए कहा कि कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। कल गुरुवार को जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के लिए विशेष जागरण का आयोजन भी किया गया। नीट मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान एनटीए कार्यालय में घुसने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने बयान भी दिया।
खबर है कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर पर कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने घर के बाहर लगी नेमप्लेट पर काली स्याही पोत दी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अब ये गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली आवास को कितनी बार निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र में आगामी सितंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार राज्य का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। आज एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने होंगे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे से यह बहस जारी है। 14वीं प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है। 64 साल बाद यह डिबेट टीवी स्टूडियो में लौटी है। इसे अटलांटा में मीडिया नेटवर्क CNN स्टूडियो में कराया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में आज मानसून दाखिल हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को साउथ वेस्ट मानसून ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके साथ ही मानसून गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में आगे बढ़ गया है। उत्तरी पंजाब में भी मानसून दाखिल हो गया है। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उठाया नीट का मुद्दा। कहा, हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र। बोली, इमरजेंसी थी संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार। 1975 में पूरे देश में मच गया था हाहाकार। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। देशवासियों की तरफ से इलेक्शन कमीशन का जताया आभार। कहा, कश्मीर ने वोटिंग से दुनिया को संदेश दिया। अपने अभिभाषण में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आने वाला समय ग्रीन एरा यानी कि हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी जरूरी कदम उठा रही है। हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रही है सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने सरकार पर तीसरी बार भरोसा किया। लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। नहीं बख्शे जाएंगे पेपर लीक के दोषी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी सरकार का सख्त संदेश। कहा, परीक्षाओं में जरूरी है पारदर्शिता। सुधार के लिए कर रहे हैं काम। राज्यसभा में पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल का कराया परिचय। परिचय कराए जाने के बाद राज्यसभा की बैठक दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद गुरुवार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में शुरू होगी चर्चा। सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। नीट का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, यह सरकार का भाषण। जब सरकार दावा करती है कि जल्दी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, तो किसान क्यों दुखी हैं? नीट पेपर लीक मुद्दे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इसमें कार्रवाई चल रही है। हम जल्दी लाने वाले हैं नया कानून। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। संसद में सिंगोल पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। संसद भवन में सिंगोल की जगह संविधान रखने की उठाई मांग। जमकर हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले नेता विपक्ष राहुल गांधी। विपक्ष के कई नेता भी साथ में मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। मुलाकात के दौरान खिलखिलाकर हंसते हुए दिखे दोनों नेता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोली कंगना रनौत। महामहिम ने किया हमारा मार्गदर्शन। सरकार के कार्यों को लोगों के आगे रखा। ऐसा लगता है कि हमारा देश सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है।
संसद में राष्ट्रपति के संबोधन पर बोले चिराग पासवान, उन्होंने सरकार की सोच को प्रमुखता के साथ बताया। ये सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है, इसी वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में संसद परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राहुल गांधी की ओम बिरला के साथ मुलाकात पर बोले केसी वेणुगोपाल, राहुल के नेता विपक्ष बनने के बाद ये एक शिष्टाचार भेंट थी। दिल्ली जल संकट पर सियासी संग्राम जारी, बीजेपी नेताओं ने सड़क पर उतरकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया, एमसीडी के भीतर ही हंगामा। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोले अब लोकसभा में एक तरफा क्रूर बहुमत नहीं, इस बार बहुमत और युवा है विपक्ष, उम्मीद है कि लोगों की बात रखने की अनुमति देंगे सरकार। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले संविधान पर सिर्फ कांग्रेस ने चोट की, इंदिरा ने अपना हित करने के लिए लगाई थी इमरजेंसी। विकास कार्यों की समीक्षा करने ग्राउंड पर उतरे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, कामरूप के चांगसारी क्षेत्र में एक स्कूल के विकास कार्य की समीक्षा की। जीतन आमांझी ने कांग्रेस पर बोला हमला, आपातकाल को बताया काला समय, बोले इसे याद करना जरूरी था, आज संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने उड़ाई थी संविधान की धज्जियां। गठबंधन के नेताओं की बैठक पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, इन सभी मुद्दों पर गठबंधन नेताओं के बीच चर्चा हुई। अमृत सेन के बयान पर भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, हम कहते रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, 50 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में होना चाहिए बदलाव, सभी ने माना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। कर्नाटक में दो डिप्टी सीएम के सवाल पर बोले डीके शिवकुमार, खबरों में नहीं कोई सच्चाई, ये सिर्फ अफवाह है, पार्टी हाईकमान करेगा हर फैसला। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, लखनऊ में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, बैंकों के जरिए एमएसएमई इकाइयों को ऋण वितरण की हुई शुरुआत। मोहन यादव ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए, बोले इनकी कथनी और करनी में फर्क है, चुनाव के बाद सैम को दोबारा पद देना इस बात का सबूत है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल पहुंचेगा कश्मीर, बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री, 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की पुणे के पुलिस कमिश्नर की तारीफ, बोले कमिश्नर ने शहर से कम की गुंडागर्दी, हमने निर्देश दिए थे नशा तस्करों पर चले बुलडोजर, कमिश्नर ने बिना देरी किए काम शुरू किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में शादी समारोह में बवाल, शादी समारोह में वरवधु पक्ष में जमकर मारपीट हुई, लोगों को कार से कुचलने की कोशिश हुई, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। रायपुर में हुआ जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए, सीएम बोले करीब 1500 से ज्यादा लोगों के आए आवेदन, ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का बयान, पूरा विपक्ष एकजुट है, हम सदन में उठाएंगे नीट का मुद्दा, अग्निवीर महंगाई और एमएसपी पर भी होगी चर्चा की मांग। जम्मू कश्मीर के अरनास रियासी में हुआ कार हादसा, गहरी खाई में गिर गई कार, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 लोग जख्मी हैं। बरेली के इज्जतनगर में गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, एसएसपी बोले अब तक 21 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार, मुख्य आरोपी राजीव राणा से पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग में नीच पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच जारी, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ, स्कूल के परीक्षा अधीक्षक का फोन और लैपटॉप जब्त किया गया।
नीट घोटाले को लेकर एकनाथ शिंदे ने अपनाया सख्त रुख। महाराष्ट्र सरकार ने किया बड़ा फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का किया फैसला। सीबीआई ने आरोपी मनीष प्रकाश को अरेस्ट किया, कई घंटों की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। मनीष प्रकाश ने ही बुक कराया था प्ले स्कूल और यहीं पर मिले थे जले हुए प्रश्न पत्र। अयोध्या में लोगों के लिए राहत की बजाय आफत बनी है बारिश, घरों के अंदर घुस गया पानी, लोगों की लाखों की संपत्ति जलमग्न हुई। पहली बरसात में पानी पानी हो गया अलीगढ़, सड़कों पर दिख रहा जन सैलाब, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। पन्नू केस में अमेरिका बोला भारत सरकार के सामने मुद्दा उठाया, जांच समिति की रिपोर्ट मांगी, कहा हम मामले में जवाबदेही चाहते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट हारे तो निक्सन को गाली पड़ी, आज इसी बहस के लिए आमने सामने होंगे ट्रंप और बाइडेन। मालदीव की पर्यावरण मंत्री फातिमा शमनाज गिरफ्तार हुई, राष्ट्रपति मुइजू पर काला जादू करने का आरोप है, मालदीव में गंभीर अपराध माना जाता है काला जादू। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत फैलाने वाले भाषणों में वृद्धि चिंताजनक है। अमेरिका में टेस्ला कार 7 बार पलटी, ड्राइवर समेत 3 लोगों को मामूली सी चोट आई, चश्मदीद बोले कार की रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ब्रिटेन में चुनाव से पहले सुनक और स्टॉर्मर के बीच में हुई बहस, पीएम ने विपक्षों से सवाल पूछा, तालिबान से डील कर पाओगे, जनता को बेवकूफ मत समझो। साउथ अमेरिकी देश में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम, आर्मी जनरल ने सेना के साथ की तख्ता पलट की कोशिश, बोलिविया के टीवी पर पूरी घटना का लाइव टेलीकास्ट हुआ। पाकिस्तान में गर्मी से 6 दिन के अंदर 568 लोगों की मौत हो गई, हीट स्ट्रोक से 267 लोग अस्पताल में, सड़कों पर पड़ी हैं लाशें, मुर्दा घर में शव रखने तक की जगह नहीं है। इसराइल हमास जंग की चपेट में आया, गौतम अडानी का पोर्ट हाइफा पोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो के चीफ बनेंगे मार्क रूट, यूक्रेन जंग के बीच में बिना चुनौती के हेड बने नीदरलैंड पीएम, रूस को रोकना बड़ा चैलेंज है। साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो बने मार्को यानसन, मैन ऑफ द पेसर ने ध्वस्त किया अफगानिस्तान का शीर्ष क्रम, 3 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। नेपाल में आसमान और पहाड़ों से बरस रही आफत, लैंडस्लाइड और भारी बारिश का कहर जारी, अब तक 14 लोगों की मौत हो गई, कई लापता। पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है साउथ अफ्रीका की टीम, आखिरकार अपने ऊपर से हटाया चोकर्स का धब्बा, पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप फाइनल। अफगानिस्तान के ओपनर मोहम्मद नबी के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, देश के लिए सबसे ज्यादा बार डक होने वाले खिलाड़ी बने, 128 मुकाबलों में 8 बार हुए हैं 0 पर आउट। स्पिनर तबरेज शमसी की गेंदबाजी का दिखा जलवा, सिर्फ 11 गेंद में समेटा अफगानिस्तान का लोअर ऑर्डर, 6 रन देकर लिए 3 विकेट। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का सबसे छोटा स्कोर बनाया, सिर्फ 56 रन पर सिमटी अफगान की टीम, 20 ओवर में सिर्फ 11.5 ओवर ही खेले। मिलर ने पूर्व पेसर डेल स्टेन को लगाया गले, अफगानिस्तान के रिव्यू नहीं लेने से बचे मार्क्रम, अफगान टीम हार के बाद हुई भावुक। श्रीलंका के हेड कोच सिल्वरवुड ने इस्तीफा दिया है, सलाहकार कोच जयवर्धने ने भी पद छोड़ा, T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई थी टीम। जेल में बंद एक्टर दर्शन से मिलने पहुंचा फैन, 500 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा दिव्यांग फैन, कोर्ट ने 4 जुलाई तक बढ़ाई है दर्शन की कस्टडी।
250 करोड़ के कर्ज की खबरों पर अक्षय की दरिया दिली। वाशु बगनानी को कॉल कर कहा चिंता मत करना, मदद चाहिए तो बताना। सनी सुनील ने भी कॉल किया। एक्ट्रेस सीमा कपूर ने बताई अपनी दर्दनाक कहानी, बोली चाइल्ड अब्यूज झेला, प्यार में धोखा मिला तो सुसाइड के आने लगे थे ख्याल, 8 फिल्में बंद हुई थी। ग्लासेस को टकराकर म्यूजिक निकाल देते थे आरडी बर्मन, सैंड पेपर से ट्रेन की आवाज निकालते थे, इन्हें संगीत का वैज्ञानिक कहा जाता है। पत्नी की फिल्म प्रमोट करते हुए देखे आयुष्मान खुराना, शर्मा जी की बेटी से डायरेक्शन में डेब्यू कर रही हैं ताहिरा कश्यप। बॉलीवुड सितारों को पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं अनंत अंबानी, अजय देवगन के बाद अक्षय कुमार के घर जाकर दिया शादी का निमंत्रण, 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ होनी है शादी। अनंत राधिका की शादी का इनविटेशन कार्ड आया सामने, अंदर शादी का मंदिर है, देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, फंक्शन की डिटेल्स कई पेज में लिखी गई है। गोल्ड स्कीम में शिल्पा राज पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, वकील ने बयान में कहा कि मुवक्किलों ने कोई अपराध नहीं किया है, 90 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। शर्मिला टैगोर ने बहू करीना की फिल्म क्रू पर की बात, बोली फिल्म बेतुकी और समझ से परे थी लेकिन एंटरटेनिंग थी, भरोसा नहीं हुआ कि ये इतनी अच्छी होगी। रिमी सेन बोली बॉलीवुड में बिना गिड़गिड़ाए काम नहीं मिलता, लगातार कॉमेडी फिल्में करके थक गई थी, अजय अक्षय से भी संपर्क तोड़ लिया। अर्जुन की बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंची मलाइका, यहां पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर बोली वो लोग पसंद जिन पर भरोसा कर सकूं। शादी के बाद पहली बार सोनाक्षी सिन्हा जहीर, डिनर डेट पर निकले परिवार और दोस्तों का मिला साथ, पिता शत्रुघ्न सिन्हा नहीं पहुंचे। टीनो खान के साथ काम करने पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सलमान मोस्ट एंटरटेनिंग है, शाहरुख का पैशनेट है, आमिर परफेक्शनिस्ट है और सबसे ऊपर है। राजनीति के लिए कंगना रनौत फिल्मों से नहीं लेंगी ब्रेक, संसद सत्र के बाद अपनी फिल्म इमरजेंसी का करेंगे प्रमोशन, जल्दी कर सकती हैं अगले फिल्म का अनाउंसमेंट। अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म द ब्लॉफ की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए प्रियंका, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जानकारी दी, एक्ट्रेस के चोट लगने पर फैंस ने जताया दुख। तेज रफ्तार खबरें आपने देखी, अब आगे बढ़ते हुए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।